अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आई होप यू विल फाइन. आई एम टीचर क्लास 3 फ्रॉम अमेरिका इस्लामिक स्कूल. आज हम पढ़ेंगे साइंस की बुक यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 68. आज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. इलेक्ट्रिसिटी मींस बिजली. इलेक्ट्रिक, सबसे पहले इसमें टॉपिक जो आ रहा है वो करंट का आ रहा है. मैं आपको करंट के बारे में बताऊंगी कि करंट का इंट्रोडक्शन कैसे है. ठीक है, जब किसी चीज़ में से, किसी तार में से जब बिजली गुजरती है तो क्या बन जाती है? करंट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स में. आपको बिटवीन में जो उनका है ना, वो मैं आपको बताऊँगी. सम कुछ चीज़ों में से करंट गुजर सकता है, कुछ में से नहीं गुजर सकता. जिन चीज़ों में से गुजर सकता है उसका इंट्रो मैं आपको दूंगी, और जिन में से नहीं गुजर सकता उसका इंट्रो दूंगी. जिन चीज़ों में से करंट गुजर सकता है उनको हम कहेंगे कॉन्टेक्टर्स, और जिन में से नहीं गुजर सकता उसको हम कहेंगे इंसुलेटर्स. क्लियर? जिसमें से गुजर सकता है पहले मैं उसका इंट्रो आपको करवाऊँगी. सबसे पहले एक एग्जाम्पल, सबसे मेटल और वाटर है, इसमें से ईजीली जो है करंट गुजर सकता है. ये क्या कहलाएंगे? कॉन्टेक्टर्स. क्लियर? नेक्स्ट, जिनमें से नहीं गुजर सकती उसका मैं आपको इंट्रो बताऊंगी. फॉर एग्जांपल रबर और वुड, इसमें से क्लियर जो है करंट नहीं गुजर सकता, तो ये क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपको मैं सर्किट्स. ठीक है, सर्किट्स क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये